जैसा कि हम सबको पता है हमारे अंदर दो तरह की आदतें होती हैं, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। फ्रेंड्स, आपने एक लाइन सुनी होगी, ये अच्छी आदतें होती हैं, आदतों को अडॉप्ट करना, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और बुरी आदतों को अडॉप्ट करना बहुत ही ईजी होता है। बट अच्छी आदतों के साथ आप जी सकते हो एंड बुरी आदतों के साथ बहुत ही मुश्किल होता है जीना। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप अच्छी आदत से अडॉप्ट करना, कभी भी बुरी आदत अगर आपके अंदर है तो अभी भी आपके पास टाइम है। लाइफ सबको एक चांस देती है, बुरी आदतें सब छोड़। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 5 habits ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सो फ्रेंड्स, ऐसे मैं 5 आदतें बताऊँगा जो सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं उसे। एंड गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल वाइट्स को जाके सब्सक्राइब करो, और इस ये वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ फ्रेंड, शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखना, और शुरू से लास्ट तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल वाइट्स को। तो आइए चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और पहला टॉपिक जो है, वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा, जितने भी हमारे कंट्री या कंट्री के बाहर सक्सेसफुल लोग जो हैं वो जल्दी सुबह उठते हैं। एक्चुअली जल्दी सुबह उठने से होता क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है खुद के काम को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पहली की है सक्सेसफुल बनने के लिए, हमें सक्सेस पाने के लिए ये पहला की है जो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोशिश करो आप जल्दी उठने की। जल्दी उठने से बहुत से रीज़न हैं, आप फ्रेश रहोगे, आप एक्टिव रहते हो, आपके पास टाइम भी बहुत बचता है काम के लिए, काम करने के लिए। सो आप जल्दी उठो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरे हैबिट की तरफ, वो है रीडिंग। गाइज़, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमें ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ना है, अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का मत पढ़ो। बट गाइज़, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ने को बोल रहा तो आप कॉलेज जाओ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी। एक्चुअली पढ़ने का मतलब है कि आप कोई बुक पढ़ो, हर रोज़ 1/2 आवर या 1 आवर आप एक बुक पढ़ो, वो नॉवेल होनी चाहिए या किसी की लाइफ बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी जो आप पढ़ सकते हो हर रोज़। एंड आपने देखा भी होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग नाइट में। सो आप भी आदत डालो बुक्स पढ़ने की। अब हम अब चलते हैं अपने थर्ड हैबिट्स की तरफ, जो थर्ड टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा ये कहते कि मुझे मौका मिलता तो मैं ये बनता, मुझे मौका मिलता तो मैं वो बनता। एक्चुअली मौका चल कर नहीं आता, एक्चुअली कोई भी सही टाइम आपके पास चल कर नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपको वो मौका बनाना पड़ता है, आपको वो सही टाइम खुद से लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सही टाइम का वेट करना छोड़ो और मौका खोजना छोड़ो, आपको मौका बनाना पड़ेगा, आपको अपना सही टाइम लाना पड़ेगा खुद से। तो फ्रेंड्स, Stop wasting your time and do it. तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ हैबिट की तरफ जो कि है फ्यूचर प्लान। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल इंसान और एक नॉर्मल इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, एक सक्सेसफुल इंसान वो अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, अपने फ्यूचर प्लान्स करता है, वो सारे प्लानिंग के साथ चलता है। और एक हम नॉर्मल इंसान जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करते, ना ही अपना हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। तो गाइस, आप भी एक नॉर्मल इंसान में मत काउंट हो, और नॉर्मल इंसान जैसे अपनी सोच मत रखो, आप आगे जाओ। तो आगे जाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको फ्यूचर सिक्योर करना होगा, फ्यूचर प्लान्स बनाने होंगे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ जो कि है फिटनेस। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इंसान हैं जो, वो अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमें भी अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, अगर कुछ करना है, तो आपको अपने फिटनेस पे पहले ध्यान देना चाहिए। पहले ध्यान देना भी होगा आपको। एंड फिटनेस पे ध्यान देने के लिए आपको अच्छे डाइट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे है, वो मेरी डाइट से रिलेटेड है, आप जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा एंड में। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, डू शेयर, एंड अपने फ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ आप शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल वाइब्स को जाके सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।